गुरुजी सीताराम सीताराम, लड़कियों को व्यास गति पर बैठने का अधिकार है या नहीं, कथा कर सकती हैं? अच्छा प्रश्न, ताली बजाओ। ताली तो पीटता ही रहा हो तुम, तुम्हारा क्या जाएगा। सुनिए, बड़ा ही विरोधाभास का ये क्वेश्चन है। अगर हम ऐसा कह दें कि नहीं, तो तुरंत महिला मोर्चा तैयार। हमसे आप शास्त्र की बात पूछें तो हमारे शास्त्रों ने जो आज्ञा दी वो हम आपको बताते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के अधिकारी अनुष्ठानात्मक व्यास गद्दी पर बैठ सकते हैं, लेकिन प्रवचन, उपदेश, मोटिवेशनल स्पीच कोई भी कर सकता है, लेकिन अनुष्ठान का अधिकारी वही है जो अनुष्ठान की पद्धति के लिए, जिस प्रकार स्कूल में एडमिशन लेने के लिए वहाँ की यूनिफॉर्म, कागज पर हस्ताक्षर, अभिभावक का होना अनिवार्य है, वैसे ही व्यास पीठ पर बैठने के लिए यज्ञोपवीत, शिखा, कंठी माला और शास्त्रीय मतानुसार योग्य आचार से दीक्षित शिक्षित व्यास विप्र ही कथा का अधिकारी है। बाकी अब आज के ज़माने में ऐसा कुछ चलता नहीं है। हम कह देंगे तो कल ही काले झंडे लेकर के मुर्दाबाद के नारे लगेंगे, इसलिए इतने में ही समझ जाओ कम बातों में। गुरुजी, जो अर्जी लगाते हैं पहली वाली वो लगती नहीं है, तो दूसरी लगाए कि वो ही लगेगी? हम समझे नहीं। यानी जो अर्जी लगाते हैं वो लगाई और वो लगी नहीं है, दो तीन दरबार में गए। जब लो लगे ना तब लो लगवाओ, अर्जी तो है, लगेगी, दोबारा लगाना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बैठो बेटा।